अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल। एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज अल्टस को दोबारा वर्कशॉप लेकर आए हैं। आज गाड़ी में बैक हिस्से का काम भी करेंगे और ब्रेक कन्वर्शन करेंगे डिस्क ब्रेक से ड्रम ब्रेक्स पे, ताकि ब्रेक जो है वो अच्छे से काम कर सके। ड्रम ब्रेक्स डिस्क ब्रेक की बनिस्बत अच्छा काम करते हैं और रिलायबल रहता है। इसमें एक्सियो के ड्रम ब्रेक्स लगेंगे जो ABS वाले होते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कि हब जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल बेयरिंग जो हैं बिल्कुल जाम हो गए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फारिग हो गए हैं। ये लेदर हैं, ये भी फारिग हैं। और अब पिछले हिस्से को खोला जा रहा है। पिछले हिस्से में जो है वो बुशेस डालेंगे, क्योंकि आजकल जो है वो सामान जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं मिलता है। ये आप डिस्क चेक कर सकते हैं, अब से निकाल लिए। यहाँ से ये जो सारा सिस्टम है आप चेक कर सकते हैं, ABS का वो सारा सिस्टम। ये दोबारा से निकालेंगे पुराना वाला सिस्टम और नया इसमें एक्सियो का सिस्टम डालेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे। एक्सियो के ड्रम ब्रेक्स जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कि पिछले हिस्से के जो बुशेस हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। आपको दूसरी साइड के भी दिखा देते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, हसन उस्ताद जो हैं वो दूसरी तरफ में काम कर रहे हैं, जो डिस्क ब्रेक का सिस्टम है वो बिल्कुल निकाल रहे हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कि हसन ने सामान निकाल लिए। इस शेप के करोलों में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि इसके ब्रेकिंग का सिस्टम जो होता है वो ज़रा इतना अच्छा नहीं होता है। जब इसमें बड़े इंजन डाल लेते हैं तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं इसमें फ्रंट और बैक का ब्रेकिंग सिस्टम चेंज कर लेते हैं फॉर गुड ब्रेकिंग। और हम भी इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये अब लोगों को तो पता है कि अल्टस है, लेकिन फिर भी हमने जो है वो डिस्क ब्रेक का सिस्टम ख़त्म करके ड्रम ब्रेक्स लगाए हैं, क्योंकि डिस्क ब्रेक जो होते हैं उसके नस्बत में ड्रम ब्रेक्स का ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है पकड़ ज़्यादा अच्छा होता है और ब्रेक जो होता है वो अच्छे से काम करता है। दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में टोयोटा का काम जो है वो ज़रा आसान होता है, क्योंकि इसमें इतने बुशेस नहीं होते हैं। सिंपल सा मैकेनिज्म है टोयोटा का जो बहुत रिलायबल भी होता है। आप अभी आगे देखेंगे या आप चेक कर सकते हैं। Music licensing reimagined। ये आप चेक कर सकते हैं कि हब निकाल लिए। अब पिछले हिस्से का सिस्टम निकालेंगे। वहाँ पर पिछला एक नट लगा होता है, जिसको बस खोलने के बाद जो है वो दोनों साइड पे एक एक नट लगा होता है। और एक ये आप जो सामने चेक कर सकते हैं कोयल वर्क के नीचे ये जो एक रॉड्स आया हुआ है, इसको निकालने के बाद जो है वो पिछला हिस्सा सारा निकल आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि टोयोटा में इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं होता है, वो ज़रा नॉर्मल सा सिस्टम होता है जो रिलायबल भी होता है दूसरे गाड़ियों के मुकाबले में, ख़ासकर होंडा के हिस्से के मुकाबले में। क्योंकि आप लोगों को अगर पता हो 95 सिविक या 2000 सिविक में उसमें बुशेस बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, और टोयोटा में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती हैं। इसलिए टोयोटा का हिस्सा जो होता है वो दूसरे मॉडल की गाड़ियों के मुकाबले में ज़रा मज़बूत और रिलायबल होता है।
Artlist.io. ये ले जी, माशाल्लाह से गाड़ी निकाल ली है हसन साहब ने। और रोज़ों में ज़रा हसन का शागर जो है वो वैसे भी स्लो होता है, और रमज़ान में कुछ और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो चले थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं निकालने के लिए। हाँ चलो, ऑलमोस्ट निकल आया है, ये आप चेक कर सकती हैं। ये ले जी, बुशेज आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। इस साइड का भी, इस दूसरे साइड का भी चेक कर लेते हैं। ये भी चेक करें, बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। इसको चेंज करेंगे, इसकी गडरी जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल फिट फाट है। इसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें बुशेज डालेंगे, क्योंकि गाड़ियाँ जो आज कल आ रही हैं वो बिल्कुल फारिग हो चुकी होती हैं। और ये आप चेक करें, इसके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू बुशेज लेकर आए हैं, आप चेक कर सकते हैं। म्यूजिक लाइसेंसिंग रीइमेजिनड, बिल्कुल ब्रांड न्यू। ये ऑटोमोटिव रबर पार्ट्स के होते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये आप चेक करें, मेड इन थाईलैंड लिखा होता है, लेकिन ये सारा मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो चाइना का होता है। लोग बस सिर्फ टैग्स वगैरह जो हैं वो, ये आप चेक करें, नए बुशेज लगा लिए हैं और ऊपर से एक टांका भी लगाया है फॉर द सेफ्टी, कि रबड़ बाहर ना निकला करें। दूसरी तरफ भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल टाइट लगा हुआ है। Artlist.io. इंडिस ब्रेकों का काम तो बिल्कुल फारिग हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल फारिग हैं। ये सिस्टम भी जो है वो डिस्क ब्रेक का लगा हुआ, ये निकालेंगे, उस तरफ से भी निकाल लिया, आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें इंशाल्लाह पहले गडरी इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जो है वो ड्रम ब्रेक्स का सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, आप आगे वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह से गाड़ी अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। और हमारे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। ये आप चेक कर सकते हैं कि फाइनली पिछला हिस्सा जो है वो बिल्कुल दोबारा से गाड़ी के साथ लग चुका है दोनों साइड से। इसके बाद ड्रम ब्रेक्स इंस्टॉल करेंगे, ये आप चेक कर सकते हैं, ड्रम ब्रेक्स का सारा सामान जो है वो पड़ा हुआ है, वो डिस्क के अलावा ये भी इंसर्ट करेंगे इसमें। Artlist.io. ये आप चेक करेंगे कि ड्रम ब्रेक का काम स्टार्ट हो चुका है, ये आप चेक करें, ड्रम ब्रेक्स का सिस्टम जो है वो पिछला वाले एक साइड का लग चुका है। ड्रम ब्रेक्स ड्रम ब्रेक भी लग चुका है, नडू नहीं बात की लगूल। ये डिस्क ब्रेक जो है वो ये फारिग हो गए हैं, और ड्रम ब्रेक्स जो है वो सारे लग गए हैं, ये आप चेक कर सकती हैं।
ड्रम रैक्स का काम माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद टायर लगाएंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। म्यूजिक लाइसेंसिंग रीइमेजिन्ड।